नीमच के जादू कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को इंटरवेल क्लब ने जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें क्लब ने अपराधों की रोकथाम के लिए बालिकाओं को जागरूक किया और अपराधों से बचने के गुण सिखाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश, डीएसपी क्लब के अध्यक्ष मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं बच्चियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से उनके साथ घटित होने वाले अपराधों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम को न्यायाधीश संजय जैन, डीएसपी और क्लब अध्यक्ष ने संबोधित किया। हमारा जादू कॉलेज में जो है ये जागरूकता अभियान का एक आयोजन किया जा रहा है। आज इनरवील क्लब द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो एक सम्मान प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसका कि उद्घाटन 11 जनवरी को हुआ था और 26 जनवरी को समापन हुआ था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं के ऊपर जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उसके बचाव के लिए जो जागरूकता प्रोग्राम चल रहा था, उसके तहत हमने ये प्रोग्राम किया है कि ताकि बालिकाएं जागरूक हों और यदि उनके साथ कुछ आपराधिक घटना होती है तो उसका निपटान कैसा करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो डीएसपी साहब, आरएस अम्ब साहब को यहाँ पर आमंत्रित किया है और साथ ही साइबर सेल के मनीष जी गहलोत हैं, जो कि अभी पूरा ऑनलाइन वो लोग ऑनलाइन जैसे बच्चियां आज फेसबुक से जुड़ी हुई हैं, व्हाट्सएप पर कम करती हैं, या आपका मनी ट्रांजेक्शन होता है आदि। आजकल जो जैसे कि हमारी ज़िंदगी डिजिटल हो गई, सारे कार्य हमारे डिजिटल हो रहे हैं, तो उनकी जानकारी, उनसे बचाव कैसे करना है। हम लोग यूज़ तो करें पर उसके साथ साथ हमें कैसे अपनी सुरक्षित रहकर हमें कार्य करना है, इसकी जानकारी के लिए हमने ये प्रोग्राम आज का आयोजित किया है। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था सम्मान, जिसमें हमें दिखाया गया था कि नारी शक्ति को किस तरह से बचाया जा सकता है गलत रास्ते पर ले जाने से। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या अनेक डिफरेंट माध्यम से हम लोग किसी न किसी तरह से इंसानों को या को पीड़िता बनाने के तौर पर लगे रहते हैं, लेकिन अगर सही मात्रा में हम देखा जाए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए या सही रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हुए हम इन चीज़ों से बच भी सकते हैं और सही रास्ते पर आगे बढ़ भी सकते हैं। तो हमने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी फिल्म को प्रमोट करा और ये दिखाया कि अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं, किसी और की हेल्प करते हैं, तो सोसाइटी आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे आती है। बट फ़र्क है कि पहले आपको खुद की हेल्प करनी चाहिए। जब हम अपनी हेल्प करना शुरू करते हैं, अपने नज़दीकियों की हेल्प करना शुरू करते हैं, तो फिर सोसाइटी में हर एक वर्ग की जो आपको जानता है नहीं जानता।